हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन. ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. तो TLS ऑनलाइन लेकर आया है एक अनाउंसमेंट जिसमें आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलता है CSIR, GATE एंड DBT एग्जाम के लिए. ठीक है, जिसमें आपको ये कितने टाइम के लिए मिलता है? आपको 6+1 मंथ के लिए. ठीक है, ये प्रोग्राम आपको 6+1 मंथ के लिए मिलता है. 6+1 मंथ, ठीक है, ओनली एट 17,000 रुपीज. ठीक है, जिसमें आपको क्लासरूम मतलब को क्लासेस मिलती हैं. CSIR के लिए क्लासेस मिलेंगी, गेट के लिए एंड DBT किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं. साथ ही आपको TPP प्रोग्राम मिलता है. TPP प्रोग्राम क्या है? टेस्ट प्रैक्टिस PYQs, जिसमें आपको 15,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं. इसमें क्या होता है, आप जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा. इससे क्या होगा, एक तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, इसके साथ साथ आप अपने वीक एंड स्ट्रांग एरियाज को फिगर आउट कर पाएंगे. ठीक है, तो आप जल्दी से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें. नेक्स्ट क्या है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. तो बेसिक्स ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम एंड सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फर्स्ट यूनिट के, जिसमें गेट एंड DBT से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब हम क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. तो इंट्रोडक्शन में क्या है, व्हाट इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स? सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, मीन्स यहाँ पर हम स्टैटिक्स, बायोलॉजी, स्टैटिक्स, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस का यूज करते हैं टू डेवलप सम एल्गोरिदम. यहाँ पर हम कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कुछ एल्गोरिदम बनाते हैं टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसे हम क्या बोलते हैं? बायोइन्फॉर्मेटिक्स. तो जो सब्जेक्ट्स हम लोग यूज करते हैं वो क्या क्या है? स्टैटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स. ओके, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हुआ. अब हम लोग देखते हैं इसका एप्लीकेशंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं. अगर हम लोग इसके एप्लीकेशन की बात करें तो पहला क्या है, कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस. अब मान लीजिए हमारे पास कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से किसी पर्टिकुलर जीन का सीक्वेंस है, उसे हमें कंपेयर करना है. उसको कंपेयर करके हम ये पता कर सकते हैं कि उन सीक्वेंसेस के बीच में, जो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, उनके सीक्वेंसेस में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटी है, ये जो जो ऑर्गेनिज्म है ये सेम मतलब इनकी जो दे आर होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस, मीन्स ये इनका जो एंसेस्टर है वो कॉमन है या डिफरेंट है, ये हम पता कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस का को कंपेयर करके. ठीक है, तो ये इसमें हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करते हैं, दैट प्रोवाइड्स डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन द सीक्वेंसेस. सीक्वेंसेस के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिससिमिलैरिटी है, ये हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से पता कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप की एनालिसिस कर सकते हैं हम. पहली क्या है, पहली है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है, दूसरी है फंक्शनल एनालिसिस. स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम किसी भी सीक्वेंस से उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो हमारा, मान लीजिए हमारे पास किसी प्रोटीन का सीक्वेंस है, ठीक है, अब हमारे पास उसके पास उसका सीक्वेंस है, उस प्रोटीन का सीक्वेंस है, तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो प्रोटीन, उससे हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम उसके टर्शियरी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स और सॉफ्टवेयर टूल्स. ठीक है, उसके लिए हमारे पास बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं अवेलेबल जिनसे हम उनके स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनल एनालिसिस की. इससे क्या करते हैं, हम सीक्वेंस को कंपेयर करके उन प्रोटीन्स के बीच में हम उनका फंक्शन पता कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड हेल्प्स टू. अब जब हम प्रोटीन्स का कंपैरिजन कर रहे हैं वो, या फिर न्यूक्लिक एसिड्स का जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो क्या 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 हेल्प करता है, वो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, मींस जो प्रोटीन्स हैं वो ग्लोबुलर है, फाइब्रस है, कैसी प्रोटीन्स है, उसका जो कैसा नेचर है, ये हम इससे क्लासिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स.
दूसरा है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हमारा डीएनए है, हम डीएनए की बात करें, आरएनए की बात करें तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं। तीसरा है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, या ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास कि दो ऑर्गेनिज्म के अलग अलग सीक्वेंसेस दिए हुए हैं, कि सेम प्रोटीन के अलग अलग सीक्वेंस दिए हुए हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म का, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म ए है एक ऑर्गेनिज्म बी है, उनके किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का सीक्वेंस दिया हुआ है, यहाँ पे मान लें कोलेजन मान लें, ठीक है, कोलेजन ले ली क्या, कोई भी ले लीजिए, कोई भी प्रोटीन मान लीजिए। अब हम इन दोनों के बीच में इन सीक्वेंसेस को कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद हम फाइंड आउट, अगर हमें उन सीक्वेंसेस के बीच में कोई कंजर्व रीजन मिलता है, ठीक है, जहाँ के रेजिड्यूज आपस में मैच करते हो, तो हम ये क्या बोलेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मींस दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, ठीक है, उनकी जो ओरिजिन है वो कॉमन है। ओके, तो ये दूसरा क्या है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज कैसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई क्रॉप है, उस क्रॉप की यील्ड बहुत अच्छी है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम उस क्रॉप के जीनोम की सीक्वेंसिंग करा लेंगे, ठीक है, उस क्रॉप के जीनोम की सीक्वेंसिंग करा के हम उसको उस सीक्वेंस को कंपेयर करके हम उस पर्टिकुलर रीजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस सीक्वेंस के पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, बाय फाइंडिंग द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस, बाय फाइंडिंग द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस वी कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर जीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कैरेक्टर, अगर वो यील्ड रिस्पॉन्स यील्ड के लिए है, ठीक है, यील्ड इंप्रूवमेंट के लिए, वो मान लीजिए वो जो जीन है वो यील्ड इंप्रूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम उसको बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से या कंप्यूटेशनल टूल्स की हेल्प से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा नॉलेज बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, सबसे इंपॉर्टेंट रोल है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए, ड्रग डिज़ाइनिंग में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, वहाँ पर हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कैसे यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोटीन है, ठीक है, उसका 3D स्ट्रक्चर हमें पता है, अगर हम उस प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर पता है तो हम उसके अगेंस्ट एक टारगेट मॉलिक्यूल डिज़ाइन कर सकते हैं, एक ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, जो उस टारगेट प्रोटीन के साथ बहुत ही हाई एफिनिटी के साथ बाइंड करे, ठीक है। मान लीजिए एक प्रोटीन है, इसका 3D स्ट्रक्चर हमें मालूम है, ठीक है, तो हम जो ड्रग डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, जो हम ड्रग डिज़ाइन करेंगे वो हम ऐसे डिज़ाइन करेंगे कि उस टारगेट प्रोटीन से इस टारगेट प्रोटीन के साथ हाई एफिनिटी के साथ बाइंड हो। इससे क्या होगा, एक तो पहले तो ये हमारा टाइम रिड्यूस करेगा, ठीक है, इससे हमारा टाइम रिड्यूस होगा, दूसरी हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी क्योंकि ये सब कुछ हम कंप्यूटेशनल टूल्स की हेल्प से करेंगे, ठीक है, दूसरा ये नॉन टॉक्सिक होगी, मीन्स टॉक्सिसिटी बहुत कम होगी इस ड्रग की। और अगर हम यही अप्रोच हम वेट लैब से करते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज ना करके अगर हम वेट लैब से करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ड्रग डिज़ाइनिंग के लिए थाउजेंड्स ऑफ हिट एंड ट्रायल अप्रोच यूज़ करनी पड़ेंगी, जिसमें हमें पहले हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच का यूज़ करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम उसे सिंथेसाइज करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होगा, एक तो हमारा टाइम बहुत लगेगा, ठीक है, अगर हम वेट लैब में करेंगे तो हमारा टाइम बहुत लगता है, दूसरा उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है, तो क्या होगा, ट्रायल एंड एरर अप्रोच में क्या होता है, हमारा कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, टाइम हमारा बहुत ज़्यादा लगता है, साथ में टॉक्सिसिटी के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के हेल्प से हम ये सब चीज़ें रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, हम एक टारगेटेड ड्रग डिज़ाइन में हमारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के की एरियाज कौन कौन से हैं, तो पहला तो है हमारा सीक्वेंस एनालिसिस, ठीक है, पहला क्या है हमारा सीक्वेंस एनालिसिस, सीक्वेंस
की एनालिसिस करके हम उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, वेदर दीज सीक्वेंसेज आर होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस. ठीक है, अगर इन सीक्वेंसेज के बीच में 35% आइडेंटिटी है, सीक्वेंस आइडेंटिटी है, ठीक है, तो हम उन सीक्वेंसेस को क्या बोलेंगे, दे आर होमोलॉगस सीक्वेंसेस. ठीक है, एंड दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम ओरिजिन, जो उनके एंसेस्टर हैं वो कॉमन है. ठीक है, तो ये क्या, इसे किसे फाइंड आउट करेंगे, हम सीक्वेंस एनालिसिस करके ही हम ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं, वेदर दे आर होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम ओरिजिन और नॉट. ये हम किससे पता करेंगे, हम पता करेंगे सीक्वेंस एनालिसिस से. हम वहाँ पर हमें इससे क्या होगा, हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे लाइक कंजर्व्ड सीक्वेंसेस मिल जाते हैं. अगर सीक्वेंसेस को हम कंपेयर करेंगे, उनके बीच में जो रीज़न है वो कंजर्व्ड है, ठीक है, कंजर्व्ड रीजंस फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम मोटिव्स बोलते हैं. ठीक, ये सब कुछ चीज़ें हम सीक्वेंस एनालिसिस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरा क्या है, डेटाबेस. दूसरा एरिया है हमारा डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस क्या है, दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, मतलब डेटाबेस क्या है, एक कंप्यूटराइज्ड स्पेस है. ठीक है, कंप्यूटर में हम लोग एक स्पेस क्रिएट करते हैं जहाँ पर अपनी जितनी भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करते हैं. तो जो भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जो कंप्यूटर में स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, हम डेटाबेस. यहाँ पर किसी भी प्रोटीन की या फिर न्यूक्लियोटाइड की अगर सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन है उसे स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन है उसे भी स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, तो कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको स्टोर कर सकते हैं डेटाबेसिस में. तीसरा एरिया हमारा कौन सा, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इसमें क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई सीक्वेंस दिया है, ठीक है, उस सीक्वेंस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हैं. मान लीजिए हमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करना है तो हम एल्गोरिदम का यूज़ करके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम उसके टर्शियरी स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं. अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो हम उसके अगेंस्ट लाइक ड्रग डिज़ाइनिंग वाला जैसे मैंने बताया उसके अगेंस्ट हम ड्रग डिज़ाइन कर सकते हैं. तो स्ट्रक्चरल बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऑल्सो प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, सो दीज आर द की एरियाज ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल डेटाबेसिस एंड इट्स टाइप्स. बायोलॉजिकल डेटाबेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं गेट में और डीबीटी में. ठीक है, तो इसको बहुत केयरफुली पढ़ेंगे. ठीक है, तो बायोलॉजिकल डेटाबेसिस क्या है, सो इट इज अ कंप्यूटराइज्ड आर्काइव, मतलब एक कंप्यूटराइज्ड स्पेस. ठीक है, और एरिया. ठीक है, इससे क्या होता है, कंप्यूटर में हम लोग स्पेस या एरिया क्रिएट करते हैं जिसमें जितनी भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उसको हम स्टोर करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल डेटाबेसिस. ठीक है, वो क्या है, एक कंप्यूटराइज्ड आर्काइव है, एक कंप्यूटराइज्ड स्पेस है जिसमें हम जितनी भी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करते हैं. और ऐसे रैंडमली स्टोर नहीं करते हैं, हम उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करते हैं जिससे कि हमें जब भी उस इन्फॉर्मेशन की नीड हो हम उसे ईजिली रिट्रीव कर पाएँ, ईजिली हम उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएँ. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वैरायटी ऑफ सर्च क्राइटेरिया. क्या यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम. इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का यूज़ करके हम उन सीक्वेंसेस को रिट्रीव कर पाएँ या उस इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाएँ. सो इट इज़ अ कंप्यूटराइज आर्काइव ऑफ बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूज टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन सच अ वे दैट वी कैन ईजिली रिट्रीव दिस डेटा, दिस इन्फॉर्मेशन विद अ वैरायटी ऑफ सर्च क्राइटेरिया. ठीक है, दीज आर बायोलॉजिकल डेटाबेसिस. सो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डेटा हम इसे दो टाइप में डिवाइड करते हैं. ठीक है, पहला है प्राइमरी डेटाबेस, दूसरा है सेकेंडरी डेटाबेस. ठीक है, पहला कौन सा है, पहला है प्राइमरी डेटाबेस, दूसरा है सेकेंडरी डेटाबेस. तो सोर्स ऑफ डेटा के बेसिस में हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटाबेस. सो व्हाट इज प्राइमरी डेटाबेसिस, प्राइमरी डेटाबेसिस क्या है. ठीक है, तो जो प्राइमरी डेटाबेसिस है उनको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड डेटाबेस, एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड डेटाबेस. क्यों इनको हम एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड डेटाबेस क्यों बोलते हैं. ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए किसी रिसर्चर ने कोई
किसी भी जीनोम की सीक्वेंसिंग करी, ठीक है, किसी भी उसके पास कोई पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, ठीक है, उसको क्या करेगा वो एज इट इज प्राइमरी डेटाबेस में स्टोर कर देगा, तो वो क्या होंगे एक्सपेरिमेंटल डेराइव डेटाबेस, मीन्स एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी डेटा है वो एज इट इज प्राइमरी डेटाबेस में सबमिट कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे प्राइमरी डेटाबेस, ठीक है। सो दे आर एक्सपेरिमेंटली डेराइव डेटाबेस, इसमें जो भी डेटा इन्फॉर्म या जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, जो भी प्राइमरी डेटाबेसिस में जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है वो अनक्यूरेटेड होती है, मतलब उसके ऊपर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं की जाती, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है, वो जैसे जैसे यूजर जो भी रिसर्चर है जिसने भी या जीनोम कहाँ कहाँ से आती है सीक्वेंस, पहले बात तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से आती है, मान लीजिए कोई जीनोम का जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली प्राइमरी डेटाबेसिस में सबमिट कर दी जाती है। दूसरा ऑथर सबमिशन, ठीक है, जो भी रिसर्चर है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है उससे वो डायरेक्टली जितनी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा मैन्यूस्क्रिप्ट, जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं उनमें जो डेटा अवेलेबल होता है वो वहाँ से सबमिट कर दिया जाता है, ठीक है, तो ये क्या है ये प्राइमरी डेटाबेसिस में स्टोर कर दिया जाता है, ठीक, इसलिए हम इनको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली डेराइव डेटाबेस। तो इसके इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, ठीक है, तो प्राइमरी डेटाबेसिस को दो टाइप के हैं, एक तो सीक्वेंस डेटाबेस, दूसरा है स्ट्रक्चर डेटाबेस। अगर हमारे पास किसी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो हम उसको सीक्वेंस डेटाबेस में सबमिट करेंगे, ठीक है, और अगर स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन है तो उसे हम स्ट्रक्चर डेटाबेस में सबमिट करेंगे, ठीक है। सीक्वेंस किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड हो या प्रोटीन का सीक्वेंस अवेलेबल है हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन है तो उसको हम किस में स्टोर करेंगे, हम उसको प्राइमरी सीक्वेंस डेटाबेस में स्टोर करेंगे, और अगर स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन है तो उसे हम स्ट्रक्चर डेटाबेस में सबमिट करेंगे, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। अब अगर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की बात करें, ठीक है, कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ स्टोर करते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, EMBL, DDBJ एंड जेनबैंक, ठीक है। EMBL इज यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, DDBJ का फुल फॉर्म है DNA डेटा बैंक ऑफ जापान, एंड जेनबैंक का फुल फॉर्म है जीन बैंक, ठीक है। तो ये ऐसे डेटाबेसेस हैं जहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस। अगर हम प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से हैं, यूनिप्रोट PIR प्रोटीन इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज, स्विस प्रोट एंड ट्रेम्बल, ट्रेम्बल का फुल फॉर्म है ट्रांसलेटेड EMBL, तो ये क्या है हमारे प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, ठीक। तो क्या क्या एग्जाम्पल है, अगर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस की बात करें तो एग्जाम्पल है EMBL, DDBJ एंड जेनबैंक। अगर हम प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस की बात करें तो एग्जाम्पल है यूनिप्रोट PIR प्रोटीन इन्फॉर्मेशन रिसोर्स, स्विस प्रोट एंड ट्रेम्बल, ठीक है। हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर डेटाबेस, स्ट्रक्चर डेटाबेस पे हम किसी प्रोटीन का स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, तो एग्जांपल क्या है PDB प्रोटीन डेटा बैंक, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट डेटाबेस की बात करते हैं, पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस में कौन से है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस कौन से हैं, EMBL, ठीक है, EMBL, DDBJ, एंड जेनबैंक, ठीक है। EMBL का फुल फॉर्म है यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, ठीक है, जो हमारी EMBL है उसका फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन मॉलिकुलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, इट इज डेवलप्ड एट विच इज डेवलप्ड एट EBI यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ पर डेवलप हुआ है, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट। तो EMBL हमारा कहाँ पर डेवलप हुआ है, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट, ठीक है।
दूसरा है डीडीबीजे, डीडीबीजे है, डीडीएलजे नहीं है, तो इसको ध्यान पे रखिएगा, डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान। क्या है ये? डीएनए डेटा बैंक ऑफ जापान, विच इज डेवलप्ड एट, इट इज डेवलप्ड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। थर्ड है हमारे पास जेन बैंक, इट इज डेवलप्ड एट, सॉरी, डेवलप्ड एट एनसीबीआई, ठीक है। एनसीबीआई का फुल फॉर्म है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हम हमारे कौन कौन से हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस, ईएमबीएल, डीडीबीजे, जेन बैंक, ठीक है। ये जो तीनों के तीनों जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस हैं, ये आपस में कोलैबोरेशन में काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या करते हैं, ये डेटा आपस में डेटा शेयर करते हैं, जिससे कि जो रिपीटेशन के चांसेस हैं उन्हें हम मिनिमाइज कर सकें। कैसे शेयर करते हैं? अब मान लीजिए मेरे पास कोई, मैंने किसी ऑर्गेनिज्म ए के जीनोम की सीक्वेंसिंग करी, ठीक है, और मेरे पास कोई एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, ठीक है। सेम किसी दूसरे पर्सन ने, ठीक है, पर्सन ए ने मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम की सीक्वेंसिंग कराई है, उसका जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसने सबमिट कर दिया ईएमबीएल में, ठीक है। अब एक पर्सन बी है, उसने भी सेम ऑर्गेनिज्म के जीनोम की सीक्वेंसिंग कराई, उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद जो जीनोम की सीक्वेंसिंग करने के बाद जो डेटा आया, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस डेटा है, उसको क्या किया, उसको सबमिट कर दिया डीडीबीजे में, ठीक है। अब कोई थर्ड पर्सन अगर उसी ऑर्गेनिज्म का जीनोम की को रिट्रीव करेगा, तो क्या करेगा, उसे ईएमबीएल में अलग डेटा मिलेगा, डीडीबीजे में अलग डेटा मिलेगा, ठीक है। बट जब ये एंड ऑफ द डे ये अपना जब अपडेट करते हैं, ईएमबीएल, डीडीबीजे, जेन बैंक, ये तीनों डेटाबेसेस अपडेट होते हैं, ये आपस में जो भी इंफॉर्मेशन उसको शेयर करेंगे, तो क्या करेंगे, जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उनमें से जो बेस्ट सीक्वेंस है उसको वो लोग अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो जो रिपीटेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कोई भी रिपीटेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, उन सीक्वेंसेस के बीच में रिपीटेशन मिलेगी। एक अलग अलग पर्सन अलग अलग डेटा सबमिट कर रहा है, तो रिट्रीव करने पर देखा जाए कि एक ही ऑर्गेनिज्म के जो जीन का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है वो हमें अलग अलग मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपस में कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, वो अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं तीनों, तो जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया प्राइमरी डेटाबेस की बात हुई हमारी। अब हम लोग बात करेंगे प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस की, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस में पहले हम लोग स्विस प्रॉट की बात कर लेते हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं स्विस प्रॉट की। तो स्विस प्रॉट इज अ मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस। स्विस प्रॉट क्या है? द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, ठीक। इसका एम्स क्या है? इट शुड बी मिनिमली रेडंडेंट एंड इंटरलिंक टू मैनी अदर डेटाबेसेस। जिसका की फीचर है स्विस प्रॉट का, वो क्या है? इट इज मिनिमली रेडंडेंट एंड इट इज इंटरलिंक टू मैनी अदर डेटाबेसेस, ठीक है। अब स्विस प्रॉट में जो इंफॉर्मेशन होती है वो जो स्टोर होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो कोर डेटा होता है, ठीक है, एक एनोटेशन, ठीक है। कोर डेटा क्या होता है? सीक्वेंस का जो डेटा होता है, जो सीक्वेंस की जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसको कोर डेटा कहते हैं। तो सीक्वेंस की इन्फॉर्मेशन तो स्टोर होती है, साथ में क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी भी प्रोटीन का, बहुत ही किसी भी प्रोटीन का एकदम डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्रिप्शन होता है ना, वो उसका जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भी हम लोग स्विस प्रॉट में स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस में कोई चेंज करना है, कुछ भी मॉडिफिकेशन किया है, किसी ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन किए हैं प्रोटीन के सीक्वेंस में, तो वह उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को यहाँ हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें प्रोटीन का फंक्शन पता है उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं हम,
उस ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में अगर वहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हुआ है, स्टाइलेशन हुआ है, जीपीआई एंकर में कुछ चेंज है, तो इस टाइप की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम स्विसप्रॉट में स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर हमें डोमेन का स्ट्रक्चर पता है या उसके साइट्स पता है, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, एक तो कोर डेटा, दूसरी एनोटेशन, ठीक है। होपफुली ये आपको क्लियर हो गया हो। दूसरा है ट्रेम्बल, ठीक है। दूसरा क्या है? ट्रेम्बल। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसलेटेड EMBL। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि ट्रेम्बल क्या है, सेकेंडरी डेटाबेस है, बिकॉज इट इज ट्रांसलेटेड EMBL, ठीक है। तो ये सेकेंडरी डेटाबेस नहीं है, ये प्राइमरी डेटाबेस है, प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है, ठीक है। इट इज प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस नोन एज ट्रांसलेटेड EMBL। इसको क्या बोलते हैं हम? ट्रांसलेटेड EMBL। इसमें भी जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दे कंटेन्स ट्रांसलेशन ऑफ ऑल कोडिंग सीक्वेंसेज इन EMBL, ठीक है। ये क्या करते हैं? इन डेटाबेसेस में जो न्यूक्लियोटाइड्स के ट्रांसलेटेड सीक्वेंसेस की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी डेटाबेसेस की। सेकेंडरी डेटाबेस क्या है, ठीक है। तो सेकेंडरी डेटाबेसेस को हम लोग प्राइमरी डेटाबेस डेराइव डेटाबेस भी बोलते हैं, क्यों, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इनको हम? प्राइमरी डेटाबेस डेराइव डेटाबेस, क्योंकि जो इनमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है डेटाबेस डेराइव्ड डेटाबेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है ना, वो क्या होती है, जो हमारे जो प्राइमरी डेटाबेसेस में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसमें जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं, उसमें हम कुछ एनालिसिस करते हैं, सीक्वेंस हो या स्ट्रक्चर हो, उनकी जब एनालिसिस करते हैं तो उससे जो हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसको हम लोग सेकेंडरी डेटाबेस में स्टोर करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको प्राइमरी डेटाबेस डेराइव डेटाबेस बोलते हैं। जैसे हम लोग प्राइमरी डेटाबेस को एक्सपेरिमेंटली डेराइव डेटाबेस बोलते हैं, वहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो वहाँ पे स्टोर कर दी जाती है, वैसे ही सेकेंडरी डेटाबेस में जो प्राइमरी डेटाबेस होते हैं उनके जो उनमें जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उनकी एनालिसिस के बाद जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम लोग सेकेंडरी डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। सो दे कंटेन द डेटा दैट आर एनालिसिस रिजल्ट ऑफ द प्राइमरी डेटाबेसेस। क्या है? एनालिसिस रिजल्ट, ठीक है। प्राइमरी डेटाबेस के जो एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, जो वैल्यूएबल रिजल्ट्स मिलते हैं, हम उसको सेकेंडरी डेटाबेस में स्टोर कर देते हैं। तो इसको इसके कितने टाइप्स हैं? तो सीक्वेंस के बेसिस एंड स्ट्रक्चर के बेसिस पे इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। जो सीक्वेंस डेटाबेस है उसके एग्जाम्पल्स है PFAM, प्रोसाइट्स, प्रिंट्स, ब्लॉक्स एंड प्रोफाइल्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? PFAM, प्रोसाइट्स, प्रिंट्स, ब्लॉक्स एंड प्रोफाइल्स। स्ट्रक्चर के बेसिस में इसको दो टाइप, इसके जो टाइप्स हैं वो क्या हैं? स्कोप, कैथ। एग्जांपल है स्कोप, कैथ एंड PDBSUM। स्कोप का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। कैथ का फुल फॉर्म है क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स हैं सेकेंडरी डेटाबेस के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? सीक्वेंस डेटाबेस के एग्जाम्पल हैं PFAM, प्रोसाइट्स, प्रिंट्स, ब्लॉक्स एंड प्रोफाइल्स। जबकि स्ट्रक्चर डेटाबेस के एग्जाम्पल है स्कोप, कैथ एंड PDBSUM। चलिए अब हम लोग समझते हैं मोटिव्स क्या है, फिंगरप्रिंट्स क्या है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन विद द वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है। इस प्रोग्राम का नाम है TPP टेस्ट प्रैक्टिस PYQ प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में आप किसी भी टर्म को डालकर उससे रिलेटेड हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस इमीडिएटली एक क्लिक पर पा सकते हैं। तुरंत सब्सक्राइब करिए TPP प्रोग्राम, टेस्ट प्रैक्टिस PYQ प्रोग्राम। हेलो, ऑडिबल? हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कीवर्ड्स की, ठीक है। कीवर्ड्स में क्या क्या?
से मोटिव्स क्या होते हैं, फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, ठीक है, सब क्या होता है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, क्योंकि हम इसकी बात होगी सेकेंडरी डेटाबेस में, ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो ये मान लीजिए सीक्वेंसेस हैं, ठीक है, सीक्वेंस ए बी सी, लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। हमने इनका क्या किया, सीक्वेंसेस का कंपैरिजन किया, ठीक है, इन सीक्वेंसेस का कंपैरिजन किया। सीक्वेंसेस का कंपैरिजन करने के बाद हमने क्या पाया कि उनके कुछ रीजन जो है वो क्या है, कंजर्वड है। मीन्स यहाँ पर जो रेजिड्यूज प्रेजेंट हैं, जो भी रेजिड्यूज यहाँ पर प्रेजेंट हैं इस पोजीशन पे, वेदर दे आर आइडेंटिकल और नियरली आइडेंटिकल, ठीक है, या तो वो आइडेंटिकल हैं और नियरली आइडेंटिकल रेजिड्यूज प्रेजेंट होते हैं, तो इस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटिव्स, ठीक है, कंजर्व्ड रीजन, ठीक है, इस रीजन को हम लोग बोलेंगे कंजर्व्ड रीजन। तो आप समझ में आए कंजर्व्ड रीजन क्या होते हैं। जब भी हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं या भी मल्टीपल सीक्वेंसेस को कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन के बाद हमें क्या एक पर्टिकुलर रीजन मिलता है जहां पर हमें यहां पर नंबर जो भी रेजिड्यूज हैं, वेदर दे आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल रेजिड्यूज होते हैं या फिर नियरली आइडेंटिकल रेजिड्यूज होते हैं, तो उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्व्ड रीजन, ठीक है। इस रीजन का एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे, मोटिव, कंजर्व रीजन बोलेंगे या फिर हम मोटिव्स बोलते हैं, ठीक। और पूरे अलाइनमेंट में, कंप्लीट अलाइनमेंट में हमें जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही मोटिव हो, मल्टीपल मोटिव्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर इसे M1A 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर जैसे 5 मोटिव्स मिल रहे हैं हमें, ठीक है, इस अलाइनमेंट में 5 मोटिव मिले, तो M1 M2 M3 M4 एंड M5। तो जो ये ग्रुप ऑफ मोटिव्स है, मतलब नंबर ऑफ मोटिव्स को जो ग्रुप है, इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, फिंगरप्रिंट। तो जितने भी मोटिव्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं फिंगरप्रिंट। ये क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक सिग्नेचर, ठीक है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, फिंगरप्रिंट। ये बात समझ में आई, फिंगरप्रिंट्स क्या है, मोटिव्स क्या है, ठीक है। तो जो मोटिव होते हैं, जो नंबर ऑफ मोटिव्स प्रेजेंट होते हैं कंप्लीट अलाइनमेंट में, उनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, हम लोग उनको फिंगरप्रिंट्स बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं प्रोफाइल्स के, ठीक है, प्रोफाइल्स क्या है। तो कंप्लीट अलाइनमेंट में सिर्फ कंजर्व रीजन ही नहीं, ये कंजर्व रीजन ये हो गए, इनके बीच में जो वेरिएबल रीजंस होते हैं ना, ये वेरिएबल रीजंस हैं, ठीक है। जो भी कंजर्व रीजंस के साथ जो वेरिएबल रीजंस होते हैं, वो भी हमें बहुत इन्फॉर्मेटिव वैल्यू देते हैं, ठीक है, जैसे कि कहाँ कहाँ पर गैप है, कौन कौन से जो रेजिड्यूज हैं वो किस किस पोजिशन के लिए अलाउड हैं, कहाँ पर गैप्स हैं, कहाँ पर इंसर्शन हुआ है, कहाँ पर डिलीशन हुआ है, ठीक है। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन कौन देता है, प्रोफाइल्स में हमें इन सब की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। इनको शॉर्ट में इंसर्शन और डिलीशन को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं इंडेल, ठीक, इंसर्शन और डिलीशन को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंडेल, ठीक है। तो प्रोफाइल में हम कंजर्व रीजन के साथ साथ वेरिएबल रीजन की भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेटर। चलिए अभी हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, जब हम मोटिव्स को रिड्यूस करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैटर्न, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैटर्न, ठीक है। अब इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं, मोटिव्स को हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में कैसे रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो कंजर्व रीजन है उसमें जो रेजिड्यूज प्रेजेंट है वो ये हैं। तो पहले सीक्वेंस का जो रेजिड्यू है क्या, CYDEGGIS, ठीक है, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहली पोजीशन देखेंगे सभी सीक्वेंसेस की, जो पहली पोजीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस कौन कौन सी हैं, 8 पोजीशंस हैं, ठीक। तो पहली पोजीशन में क्या है, सी, और सी सब में फिक्स्ड है, सी की पोजीशन फिक्स्ड है,
जिस भी सीक्वेंस में देखें सब में सी अवेलेबल है, तो पहले क्या लिखेंगे सी, ठीक। दूसरी पोजीशन पे देखेंगे तो वाई, वाई की पोजीशन फिक्स है तो हम लोग वाई लिख देंगे, ठीक। इसके बाद देखते हैं पहले में, पहले सीक्वेंस में थर्ड पोजीशन पे डी आया है, दूसरे सीक्वेंस में ई है, तीसरे में एच है और चौथे में आर है, तो यहाँ पर क्या है जो रेजिड्यूज की पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया उसको एक्स, एक्स क्या शो कर रहा है कि जो रेजिड्यू है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। फोर्थ पोजीशन देखें तो ई है, डी है, ई है, जी है, ठीक है। तो यहाँ ई, डी, जी कुछ भी आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे टू लिख दिया, ठीक है। तो मतलब दो पोजीशन ऐसी हैं जिनके रेजिड्यूज की पोजीशन फिक्स नहीं है, कुछ भी रेजिड्यूज आ जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, फोर पोजीशंस हो गए। अब फिफ्थ पे देखें तो क्या आ रहा है, जी आ रहा है और डी आ रहा है, दो रेजिड्यूज हैं, या तो जी आ रहा है या तो डी आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया, एक स्क्वायर ब्रैकेट में डी और जी लिख दिया। तो ये क्या शो कर रहा है, जो स्क्वायर ब्रैकेट शो कर रहा है कि उस पोजीशन के लिए जो फिक्स रेजिड्यूज हैं या तो डी है या फिर जी है, ठीक। इसको ऊपर लिख देती हूँ मैं, सी वाई एक्स एक्स टू डी जी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं फिफ्थ, सिक्स पोजीशन में क्या है, जी। तो जी की पोजीशन फिक्स है तो हम लोगों ने यहाँ पे जी लिख दिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट सेवन्थ पोजीशन देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, आई भी है, जी भी है, एन भी है, तो पोजीशन फिक्स नहीं है रेजिड्यूज की, तो हम वहाँ पे एक्स लिख देंगे, ठीक है। एट्थ पोजीशन देखते हैं तो वहाँ पे एस है, टी है, एस है, टी है, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, एस भी आ सकता है और टी भी आ सकता है। तो ये क्या है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो मोटिव्स को हमने रिड्यूस किया किसमें, रेगुलर एक्सप्रेशन में, ठीक है। ये बात समझ में आई, रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग सेकेंडरी डेटाबेस में देखते हैं तो जो पहला था क्या, प्रोसाइट। प्रोसाइट के जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, स्विसप्रॉट, जो प्राइमरी सोर्स है वो है स्विसप्रॉट, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है वो क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन, जो पैटर्न है जिस जहाँ पर हमने मोटिव को रिड्यूस किया है रेगुलर एक्सप्रेशन में वो स्टोर्ड है, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स का जो प्राइमरी सोर्स है वो स्विसप्रॉट है एंड जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, प्रोफाइल्स, जो भी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो क्या है, प्रोफाइल्स। प्रिंट्स में कौन सा इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है, फिंगरप्रिंट्स की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पीफैम में हिडन मार्कोव मॉडल्स, इसका जो प्राइमरी सोर्स है स्विसप्रॉट है। ऑल क्या है, कंपोजिट डेटाबेस है, ठीक है। ब्लॉक्स क्या है, ब्लॉक्स जो सेकेंडरी डेटाबेस है उसकी जो प्राइमरी सोर्स है क्या है, प्रोसाइट और प्रिंट्स, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी डेटाबेस, तो इनको हम एक तरह से टर्शियरी डेटाबेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। कि क्या है, टर्शियरी डेटाबेस, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से ले रहे हैं, ये प्रोसाइट और प्रिंट्स से, ठीक है। एंड जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, ब्लॉक्स। आइडेंटिफाई की बात करें तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है वो क्या है, फजी रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर डेटाबेस की, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेटाबेस की बात करते हैं, ठीक है। हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेटाबेस की बात करते हैं, ओके। हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेटाबेस की बात करते हैं तो पहला क्या है, स्कोप। स्कोप का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। क्या है, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये क्या डिस्क्राइब करता है, ये प्रोटीन्स के इसमें क्या, हम इसको हायरार्की में क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे, हम इसको हायरार्की में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, फैमिली। पहला क्या बोलेंगे, फैमिली। तो फैमिली को हम कौन कौन से, ऐसे कौन से सीक्वेंसेस या कौन सी प्रोटीन्स को हम फैमिली में प्लेस करेंगे, फैमिली के अंदर कंसिडर करेंगे, तो ऐसे
प्रोटीन्स जिनके बीच में जो सीक्वेंस सिमिलैरिटी है वो 30% है, 30% से ज़्यादा जो सीक्वेंस सिमिलैरिटी वाले सीक्वेंसेज हैं या प्रोटीन्स हैं उनको क्या, वो क्या शो करेंगे कि इनके बीच में क्लियर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, और ऐसी प्रोटीन्स को हम लोग फैमिली में कंसिडर करेंगे कि दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम फैमिली, दे बिलोंग्स टू द सेम फैमिली। दूसरा है सुपर फैमिली। सुपर फैमिली में क्या है, ऐसे प्रोटीन्स जिनका जो सीक्वेंस आइडेंटिटी है वो तो कम है, बट अगर उनका स्ट्रक्चर और फंक्शनल करेक्टरिस्टिक देखें तो वो ये शो करता है कि दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम एंसेस्टर और कॉमन एंसेस्टर। तो ऐसे जो हमारे प्रोटीन्स हैं उनको हम किस में कंसिडर करेंगे, सुपर फैमिली में, ठीक है। तीसरा है हमारा फोल्ड। फोल्ड क्या होता है, इफ़ द प्रोटीन्स हैव सेम सेकेंडरी स्ट्रक्चर विद द सेम अरेंजमेंट तो दे आर प्लेस्ड इन द फोल्ड। ऐसी प्रोटीन्स जिनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर और उसका जो अरेंजमेंट है वो सेम है, तो ऐसी प्रोटीन्स को हम कहाँ रखेंगे, फोल्ड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैथ। कैथ का फुल फॉर्म क्या है, क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी, ठीक है। क्लास का फुल फॉर्म है, सॉरी कैथ का फुल फॉर्म है क्लास आर्किटेक्चर टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी। इसको जो फाइव लेवल्स में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, क्लास, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट एंड पैकिंग। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंटेंट एंड पैकिंग से इसको डिराइव करते हैं। आर्किटेक्चर क्या है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है उसको किस में डिफाइन करेंगे, आर्किटेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, इट डिस्क्राइब बोथ द ओवरऑल शेप एंड कनेक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के शेप और कनेक्टिविटी दोनों को डिफाइन करता है। तीसरा है होमोलॉजी, ठीक है। होमोलॉजी में हम यहाँ पे क्या है, डोमेन्स की बात कर रहे हैं। तो डोमेन्स दैट शेयर इक्वल टू और ग्रेटर देन 35% सीक्वेंस आइडेंटिटी, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग कि दे आर होमोलॉगस और दे आर कमिंग फ्रॉम सेम एंसेस्टर और कॉमन एंसेस्टर, ठीक। पांचवा हमारा सीक्वेंस। सो इट प्रोवाइड्स अ फाइनल लेवल ऑफ विद इन द हायरार्की डोमेन्स दैट हैविंग ग्रेटर देन 35% सीक्वेंस आइडेंटिटी दे आर इंडिकेट दैट हाईली सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सीक्वेंसेस हैं वो क्या है, उनमें जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो सिमिलर है, क्योंकि उनके बीच की सीक्वेंस आइडेंटिटी है वो 35% है। सीक्वेंस आइडेंटिटी एंड सीक्वेंस सिमिलैरिटी कैसे फाइंड आउट करना है वो हम लोग नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हम गेट एंड डीबीटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जैसे पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा बायोलॉजिकल डेटाबेसिस, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल आपका प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे। किसी को इसका आंसर पता है, अब इसे हम पहला एग्जाम्पल पहला ऑप्शन देखें तो क्या बोल रहा है, जेन बैंक हमने कहाँ पढ़ा था, प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस, ठीक है। हमने जेन बैंक को कहाँ पढ़ा था, प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस में। इसके साथ साथ क्या पढ़ा था हमने, डीडीबीजे, जेन बैंक, और तीसरा क्या पढ़ा था हमने, ईएमबीएल, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, डीडीबीजे, जेन बैंक एंड ईएमबीएल। तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल है, प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस के, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस का एग्जाम्पल तो नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस का एग्जाम्पल है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, स्विस प्रॉट की बात करें तो स्विस प्रॉट क्या है, स्विस प्रॉट इज अ प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, पीडीबी हमने कहाँ पढ़ा था, पीडीबी कहाँ पढ़ा था, प्रोटीन डेटा बैंक कहाँ पढ़ा था हमने, ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर डेटाबेस। इससे सीक्वेंस में नहीं आता, ये किस में आता है, स्ट्रक्चर डेटाबेस में आता है, ठीक है। ये क्या है,
प्राइमरी स्ट्रक्चर डेटाबेस, तो ये एग्जांपल भी नहीं हो, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। तीसरा है पीफैम, ये क्या है? पीफैम हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेटाबेस, सॉरी सेकेंडरी सीक्वेंस डेटाबेस में पढ़ा था हमने। स्ट्रक्चर में तो हमने स्कोप और कैथ पढ़ा था, सीक्वेंस डेटाबेस ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस ऑफ ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस स्टोर्ड इन द EMBL डेटाबेस। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? ऐसा डेटाबेस में ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड, क्या है? ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस स्टोर्ड इन द EMBL, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड का है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है। दूसरा स्विसप्रॉट, स्विसप्रॉट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है। तीसरा है पीफैम, पीफैम क्या था हमारा? सेकेंडरी सीक्वेंस डेटाबेस, ये प्राइमरी सीक्वेंस है। DDBJ क्या है? प्राइमरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेस है, ठीक है। फोर्थ क्या है? ट्रेम्बल, ट्रेम्बल क्या था? ये ट्रांसलेटेड EMBL है, दैट कंटेन्स ट्रांसलेशन ऑफ ऑल द कोडिंग सीक्वेंसेस इन EMBL। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बिकॉज इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस दैट इज स्टोर्ड इन द EMBL। चलिए तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब हम लोग बात करते हैं कंपोजिट डेटाबेसेस की, ठीक है। Marks in what? CSIR, GATE or DBT? CSIR. Okay. So it depends on the cutoff. ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? कंपोजिट डेटाबेसेस, ठीक है। सो कंपोजिट डेटाबेसेस क्या होते हैं? दे आर कलेक्शन ऑफ सेवरल प्राइमरी डेटाबेसेस रिसोर्सेज, मींस दे आर कंपोजिट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डेटाबेसेस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल क्या है? ऑल, ठीक है। ऑल का फुल फॉर्म क्या है? ऑन्टोलॉजी वेब लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा क्या है? NRDB, नॉन रिडंडेंट डेटाबेस। तो ये क्या है? इनमें ये से ऑल है, तो उसमें क्या है? फोर प्राइमरी डेटाबेस रिसोर्सेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। इस तरह NRDB में भी डिफरेंट प्राइमरी डेटाबेसेस इन्वॉल्व होते हैं। चलिए तो ये हुआ कंपोजिट डेटाबेस। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस मोटिफ, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं आपके कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुए हैं, कौन इसको बता पाएगा। सॉरी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस मोटिव्स, कहाँ पर हमने प्रोटीन सीक्वेंस मोटिव्स की बात की थी? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अगर हम यहाँ से देखें
डी ऑप्शन से देखें तो पीडीबी क्या है, प्रोटीन डेटा बैंक, ये हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर डेटाबेस है, ठीक है। स्विस प्रॉट क्या था, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है, ठीक। ट्रेम्बल क्या है, ट्रांसलेटेड ईएमबीएल, प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, जिसमें जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो किसकी है, ट्रांसलेटेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की, ठीक है। और ए ऑप्शन क्या है, प्रोसाइट, वहां पर हमने क्या बताया था, जो मोटिव्स हैं उनको हम रिड्यूस करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो क्या है, प्रोटीन सीक्वेंस मोटिव्स। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है आपका, जो प्रोसाइट है वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है वो क्या है, प्रोटीन सीक्वेंस मोटिव्स की, ठीक है। उसको हम रिड्यूस करके क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ब्रिजेंद्र हैज गिवन द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का, ठीक है। क्या है इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम क्या है, मान लीजिए डेटाबेस है, ठीक है, एक बायोलॉजिकल डेटाबेस है जिसमें आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी है, ठीक है। बायोलॉजिकल डेटाबेस में आप क्या किया करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। अब हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, हमें किसी भी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस करना है, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, हम इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का यूज़ करके हम उस डेटाबेसिस में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है वहाँ से रिट्रीव करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन को हम किससे रिट्रीव करेंगे, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल टूल्स से, ठीक है। इसको हम अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो मान लीजिए जैसे हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी क्वेरी होती है तो हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं। गूगल में क्या होता है, गूगल जो वाली जो विंडो होती है वैसे होती है, वहाँ पर एक सर्च बॉक्स होता है जिसमें जो भी क्वेरी है उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, टेक्स्ट बेस्ड सर्च होता है, ठीक है। वहाँ पे हमें जो भी क्वेरी हमने लिख दिया, यहाँ इसके बाद यहाँ पे सर्च है, ठीक है, हमने वहाँ से सर्च कर दिया। इसके बाद जो एक विंडो आएगी, उस विंडो में इस जो भी क्वेरी है उससे रिलेटेड जितने भी लिंक होंगे वो हमें सब यहाँ पे विंडो में शो करेगा, ठीक है, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में वो सारे लिंक्स आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हमें कोई भी क्वेरी है, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन को डेटाबेस से सर्च करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक जो सर्च बॉक्स है तो टेक्स्ट बेस्ड सर्च होता है, तो हम उसमें अपनी क्वेरी डाल के सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद जो स्क्रीन आएगी उसमें हमें उस सीक्वेंस से रिलेटेड या स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी लिंक्स होंगे वो हमें स्क्रीन में शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम है वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, ठीक है, दो टूल्स हैं हमारे पास। पहला कौन सा है, SRS, ठीक है, सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम, SRS, और दूसरा क्या है, INTRES, ठीक है। दूसरा जो हमारा रिट्रीवल टूल है वो क्या है, INTRES। तो पहला है SRS, इट इज डेवलप्ड एट EBI, ठीक है, ये कहाँ पर डेवलप किया गया है, EBI में, यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट। और जो INTRES है ये कहाँ पर डेवलप्ड हुआ है, NCBI। अब अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जहां पर ये पूछा जाए कि जो EMBL है, EMBL कहाँ पर डेवलप हुआ था, EBI में, ठीक है, तो अगर हमें EMBL जो डेटाबेस है अगर वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी हो तो हम कौन से इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम का यूज़ करेंगे, तो वो कौन सा है, SRS, ठीक है। EMBL डेटाबेस की बात करेंगे, अगर हमें EMBL डेटाबेस की बात करेंगे, अगर वहाँ पे हमें किसी भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिट्रीव करना होगा तो हम कौन से टूल का यूज़ करेंगे, हम SRS का यूज़ करेंगे। अगर हम GenBank की बात करें, जो हमारा GenBank डेटाबेस है, अगर हमें वहाँ पर किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना हो तो हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे, हम लोग INTRES यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे दो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल टूल्स हैं, SRS एंड INTRES।
ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट। ठीक है, सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको देखेंगे हम लोग। आप एक क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन, ये डीबीटी का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपिक्शन ऑफ द जेन बैंक सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट। ठीक है, इसमें जो भी ये एंट्री फॉर्मेट दिए हुए हैं, इसमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा फॉर्मेट आपका जेन बैंक सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट है। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग फॉर्मेट पढ़ेंगे कौन सा, फास्टा सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे फास्टा सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट। ठीक है, ये क्या होता है, टूल। पहले क्या होता है, इसमें वन लाइन का डिस्क्रिप्शन दिया होता है, सॉरी कहाँ पे लिखूँ, ये क्या है, पहले यहाँ पे वन लाइन का डिस्क्रिप्शन दिया होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेडर लाइन। ठीक है, तो जो पहली लाइन होगी हमारी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेडर लाइन। ठीक है, जो कि स्टार्ट होगी हमारी ग्रेटर देन साइन से। किससे स्टार्ट होती है, इस ग्रेटर देन सिंबल से। इसके बाद फॉलोड बाय सीक्वेंस आईडी, फिर आपको सीक्वेंस आईडी दी होगी, ये हमारी हेडर लाइन है। ठीक है, ये क्या है, हेडर लाइन है, जो कि स्टार्ट होगी हमारी ग्रेटर देन साइन से। इसके बाद हमारे सीक्वेंस का आईडी दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, और इसके बाद नेक्स्ट लाइन से आपका सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से आपका सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये फॉर्मेट कौन सा है, फास्टा फॉर्मेट। ठीक है, तो फास्टा फॉर्मेट कैसे स्टार्ट होता है, ग्रेटर देन साइन से स्टार्ट होता है। पहली लाइन जो हेडर लाइन है उसकी, वो ग्रेटर देन साइन से स्टार्ट होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, उसका सीक्वेंस आईडी दी होगी हेडर लाइन में ही, उसका नेक्स्ट जो नेक्स्ट लाइन है उसमें क्या होगा, हमें सीक्वेंसेस गिवेन होंगे। ठीक है, तो ये है फास्टा फॉर्मेट। अब हम लोग दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं कौन सा है, दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं, जेन बैंक सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट। ठीक है, दूसरा फॉर्मेट क्या है, जेन बैंक सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट। इसका जो फॉर्मेट है वो क्या है, इसमें तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, हेडर, फीचर्स एंड सीक्वेंसेस। ठीक है, जेन बैंक का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, हेडर, फीचर्स एंड सीक्वेंसेस। ठीक है, जो हेडर सेक्शन होता है वो कहां से स्टार्ट होता है, लोकस से। तो पहले तो ये यहां तक आपका हुआ हेडर सेक्शन, फिर आपका फीचर्स, इसके बाद आपका शुरू होता है सीक्वेंसेस। ठीक है, तो जो जेन बैंक का फॉर्मेट है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हेडर, फीचर्स एंड सीक्वेंसेस। ठीक है, इसमें तीन पार्ट्स ही होंगे। तो अगर हम पहले पार्ट की बात करें, हेडर की बात करें, तो ये स्टार्ट होगा लोकस से। ठीक है, इसमें क्या है, लोकस का नेम दिया होगा, लेंथ एंड टाइप ऑफ सीक्वेंस दिया होगा, वो जो भी सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा, उसकी लेंथ कितनी, कितने बेस पेयर का है, किस टाइप का सीक्वेंस है, मतलब कौन सा टाइप है, डीएनए है, आरएनए है, एमआरएनए है, क्या है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी होगी। नेक्स्ट लाइन में डेफिनेशन, जहाँ पे आपको समरी दी होगी उससे रिलेटेड। तीसरा है एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर क्या होता है, ठीक है, एक्सेशन नंबर क्या होता है, एक्सेशन नंबर एक यूनिक आईडी होती है। एक्सेशन नंबर क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है, जो कि हम उस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को या डीएनए के सीक्वेंस को हम लोग असाइन करते हैं, हम लोग उस पीस ऑफ डीएनए या पीस ऑफ प्रोटीन को हम लोग उसको असाइन करते हैं एक यूनिक आईडी।
ठीक है, जब हम उसको पहली बार सबमिट करते हैं, ठीक है, जब हम पहली बार उस सीक्वेंस को जेनबैक में सबमिट करते हैं तो हम उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करते देते हैं, उसे हम एक्सेशन नंबर कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सोर्स, ऑर्गेनिज्म, रेफरेंस, ठीक है, सब ये होगा, कहाँ से लिया गया है, किस मैन्युस्क्रिप्ट से लिया गया है, ऑथर क्या है, कौन कौन से ऑथर हैं, ठीक है, उसकी सबकी डिटेल्स दी होगी। फीचर्स में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी होगी, सोर्स, मिसलेशन सिग्नल, mRNA, उस कोडिंग सीक्वेंसेज, इंट्रॉन्स, म्यूटेशन, इन सब की इन्फॉर्मेशन आपको फीचर्स सेक्शन में दी जाएगी। लेकिन जब सीक्वेंस, जो सीक्वेंस सेक्शन है, जो थर्ड सेक्शन है, वहाँ पर आपको सीक्वेंसेस दिए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जेनबैंक सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट है, ठीक है। तो हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एक तो उसमें तीन पार्ट होंगे, हेडर, फुटर, सॉरी हेडर, फीचर्स एंड सीक्वेंस। जो हेडर पार्ट है वो स्टार्ट होगा आपका लोकस से, ठीक है, फिर आपको फीचर्स आएगा, इसके बाद ओरिजिन में, इसके बाद आएगा हमारा सीक्वेंस, जहाँ पे हमें सीक्वेंस गिवन होंगे। तो ये हमारा जेनबैंक का सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, EMBL सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट, ठीक है। EMBL का सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट क्या है, सो इट फर्स्टली इट स्टार्ट्स विद द आईडी, जो EMBL का सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट है किससे स्टार्ट होता है, कौन से वर्ड से, आईडी, आइडेंटिफिकेशन लाइन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन लाइन में क्या, एक तो आपको आइडेंटिफिकेशन कोड दिया होता है फॉर सीक्वेंस इन द डेटाबेस, उस डेटाबेस में क्या जो भी सीक्वेंस सबमिट कर रहे हैं उसका हमें आइडेंटिफिकेशन कोड दिया होता है। दूसरा है एक्सेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, डेटाबेस आइडेंटिफायर होता है, एक यूनिक डेटाबेस आइडेंटिफायर होता है, ठीक है, विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स लाइक न्यूमेरिकल्स, अल्फाबेट्स, इनको मिला करके एक हम लोग एक आईडी बनाते हैं जिसको हम लोग डेटाबेस आइडेंटिफायर कहते हैं, उसे हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन कोड, ठीक है। दूसरा है एक्सेशन नंबर, तीसरा है डेट्स ऑफ एंट्री, हमने उस जो सीक्वेंसेस हैं जो डेटाबेस में कब सबमिट किया है उसका हम लोग डेट नोट करते हैं। इसके साथ साथ हमने अगर उस सीक्वेंसेस में कुछ भी अपडेट किया है तो कब अपडेट किया है उसकी भी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं। तीसरा है कीवर्ड्स, ठीक है, उसमें जो क्रॉस रेफरेंसेस वर्ड हैं उनको हम लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं। तीसरा है OS, ऑर्गेनिज्म स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन, उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पर रखेंगे। फिर हम लोग रेफरेंस बताएंगे, ठीक है, इस तरह से। फिर लास्ट में हम लोग आगे सीक्वेंस की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग सीक्वेंस की बात करेंगे, यहाँ पर हमारा सीक्वेंस गिवन होगा और जो एंड है वो दो ब्लैक बैक स्लैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो एंड ऑफ सीक्वेंस है वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दो बैक स्लैश लाइन से। तो ये हमारा क्या है, EMBL का सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट है, जो स्टार्ट तो होगा आईडी से, आईडीडी, एक्सेशन नंबर, डीटी, एंड होगा हमारा ये दो बैक स्लैश लाइन से, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, EMBL सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट हम लोग देखेंगे NBRF सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट। जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो हमारे पास कौन सा है, NBRF सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट, इसको हम लोग NBRF या फिर PIR भी बोलते हैं, NBRF और PIR सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट। ये कैसा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ये थ्री लाइन का डिस्क्रिप्शन होता है, थ्री लाइन्स का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसमें जो पहली लाइन होती है वो ग्रेटर देन साइन से स्टार्ट होती है, सिंबल से स्टार्ट होगी, ठीक है। जो दूसरी लाइन होगी उसमें कमेंट्स दिए होंगे, मीन्स उसकी इंफॉर्मेशन दी होगी, उस सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन दी होगी, और थर्ड लाइन से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, थर्ड लाइन से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होगा। तो जो NBRF है वो थ्री लाइन डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिससे पहली लाइन आपकी ग्रेटर देन इस सिंबल से स्टार्ट होगी, ग्रेटर देन दूसरी लाइन में हमारा कमेंट्स दिया होगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होगी ऑर्गेनिज्म से, और तीसरी लाइन से हमारा सीक्वेंस स्टार्ट होगा, हमारा तीसरी लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक। तो ये समझ में आया कि NBRF का जो सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट है वो कैसा है। चलिए अब अगर समझ में आ गया तो हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो गेट और DBT में आए हुए हैं, ठीक है।
पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपिक्शन ऑफ द जेन बैंक सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट. ये डीबीटी का क्वेश्चन है, इसका आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन जेन बैंक सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट का है. ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करिए. तो हम लोग पहले जेन बैंक का सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट देख लेते हैं. कहाँ से स्टार्ट था, लोकस से, डेफिनेशन, एक्सेशन, देन लास्ट में हमारा क्या था, सीक्वेंसेस. ठीक है, अब हम देख लेते हैं जेन बैंक में कौन सा मैच, कौन सा सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट हमारा मैच कर रहा है. ठीक है, जेन बैंक का पूछ रहा है, तो यहाँ पे कहीं लोकस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कहीं लोकस नहीं मेंशन, ये नहीं हो सकता. हाँ, बेस काउंट से स्टार्ट है, ये नहीं हो सकता. इस ये हमारा NBRF का है सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट. ठीक है, ये नहीं हो सकता. फोर्थ ऑप्शन देखा जाए तो ये हमारा लोकस से स्टार्ट है, डेफिनेशन, सोर्स, ऑर्गेन, ये रेफरेंस फीचर्स एंड सीक्वेंसेस. ठीक है, तो ये हमारा जेन बैंक सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट को शो कर रहा है. यहाँ पर क्या है, हेडर सेक्शन है, हेडर, फीचर्स एंड सीक्वेंसेस. ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है. ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. तो ये क्वेश्चन समझ में आया. फोर्थ ऑप्शन कैसे करेक्ट है ये समझ में आया. चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सो आइडेंटिफाई द फाइल फॉर्मेट गिवन बिलो. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, जो फाइल फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट है. ठीक है, ये कौन सा सीक्वेंस एंट्री फॉर्मेट है. इट इज NBRF और फास्टा और जेन बैंक और EMBL, कौन सा है, NBRF है, फास्टा है, जेन बैंक है या EMBL है. चलो हम लोग वन बाय वन बात करते हैं, एक एक ऑप्शन देखते हैं. तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, NBRF. पहला ऑप्शन क्या है, NBRF. ठीक है, NBRF का क्या था, साइन. यहां से सीक्वेंसेस, तो तीन लाइन का डिस्क्रिप्शन था, तो ग्रेटर देन साइन तो है, बट ये वाला सिंबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा. दूसरा, दूसरी लाइन से ही हमारा सीक्वेंसेस स्टार्ट है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता. फास्टा की बात करें तो फास्टा क्या था, उसमें टू लाइन का डिस्क्रिप्शन था, पहला फर्स्ट लाइन ग्रेटर देन साइन से स्टार्ट था, और दूसरे लाइन और फिर उसके बाद सीक्वेंस आईडी दिया था, एंड सेकेंड लाइन से हमारा सीक्वेंसेस स्टार्ट था. ठीक है, ये हमारा फास्टा का फॉर्मेट था. तो अगर हम इसको मैच कराएं तो ये साइन तो है, साथ में सीक्वेंस आईडी भी दिया हुआ है, और नेक्स्ट लाइन से देखें तो हमारा सीक्वेंसेस स्टार्ट है. ठीक है, तो इट इज़ मैचिंग टू फास्टा फॉर्मेट. सो ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखें, जेन बैंक. जेन बैंक अभी हमने बात की, उसमें हेडर फीचर, हेडर फीचर्स एंड क्या दिया होता है हमारा, हेडर फीचर्स एंड सीक्वेंसेस, तीन पार्ट में डिवाइड होता है. इसमें से हेडर स्टार्ट होता है किससे, लोकस से, तो ऐसा तो कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, NBRF भी नहीं है. EMBL की बात करें तो EMBL किससे स्टार्ट होता है, EMBL का फाइल फॉर्मेट किससे स्टार्ट होता है, आईडी से, और एंड होता है दो डबल बैक स्लैश लाइन से. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिया हो, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, फास्टा, बिकॉज इट इज स्टार्टेड विद द ग्रेटर देन साइन, देन फॉलोड बाई सीक्वेंस आई डी, एंड नेक्स्ट लाइन से हमारा सीक्वेंसेस स्टार्ट है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं.
वरुण, गुंजन, ब्रजेंद्र, सबने सही आंसर दिया है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। इसमें आप बताएं इसमें कौन सा फाइल फॉर्मेट है, ये जो फाइल फॉर्मेट मेंशन है ये किसका एग्जांपल है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है। चलिए थोड़ा सा ब्लर है बट फिर भी बता सकते हैं। तो क्या है इसमें, थ्री लाइन डिस्क्रिप्शन है, थ्री लाइन का डिस्क्रिप्शन है, पहला स्टार्ट है इस सिंबल से, ग्रेटर देन सिंबल से, दूसरी लाइन में क्या है, कमेंट्स है, सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और तीसरी लाइन में क्या है, सीक्वेंसेस स्टार्ट है। ये हमने कहां पर पढ़ा था, ये फॉर्मेट हमने कहां पढ़ा था, ये फॉर्मेट पढ़ा था हमने NBRF में, ठीक है, NBRF और PIR, ठीक है, वहां पर हमने ये फॉर्मेट पढ़ा था। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर है। ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर है। सुनीता, ब्रजेंद्र, वैष्णवी, ऑल हैव गिवन द राइट आंसर, वरुण, ब्रजेंद्र, गुंजन, सी ऑप्शन इज करेक्ट, NBRF इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट, कौन सी है, पेयर वाइज अलाइनमेंट। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट यूनिट कौन सी पढ़ेंगे, पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। TLS ऑनलाइन का एक सब्सक्रिप्शन देगा आपको 4 घंटे से भी ज्यादा की लाइव क्लास, दैट टू ऑडियो विजुअली कनेक्ट, जिसमें हर एजुकेटर आपसे ऑडियो विजुअली कनेक्ट होगा। आप अपने सारे डाउट्स लाइव सेशन में क्लियर कर सकते हैं। इन क्लासेस में आप सुबह 8 बजे से 12:30 बजे तक एंटर कर सकते हैं अपने ID पासवर्ड के थ्रू। प्लस जो लोग लाइव क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं या जिनकी कुछ क्लासेस छूट गई हैं, उनके लिए हमारी साइट पर 1100 घंटे से भी ज्यादा के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हर यूनिट को कवर करते हुए मिलेंगे। प्लस पर डे के लाइव लेक्चर्स के रिकॉर्डेड वीडियोस भी अवेलेबल होंगे आपकी एक क्लिक पर। कभी भी आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई पढ़ाई की, अब आते हैं प्रैक्टिस पर। हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, 15,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन।